ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ISA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਥੀ ਵੋ ਇੱਕ ਥੀ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਚਾਹਤੇ ਥੇ। 19 ਸਟੇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਬਣੇ ताकि जिन जगहों पे ये एक्ट नहीं एग्जिस्ट करता उन जगहों पे भी ये एक्ट आ जाए। नंबर दो, जो स्टेट्स में एक्ट में कुछ खामियां थीं उनको हम पूरा करवाना चाहते थे सेंट्रल एक्ट के ज़रिए। अब हमें ये बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, तो सेंट्रल लॉ का इसमें कोई रोल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि इंडियन पिनल कोड में कोई अमेंडमेंट की संभावना नहीं है, कि डॉक्टर्स के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया जा सकता। जैसे किसी और के साथ मारपीट का मुकदमा IPC में दायर किया जाता है, उसी तरह डॉक्टर्स का केस लिया जाएगा। हमारा मानना ये है कि डॉक्टर्स के साथ जब ड्यूटी पे मारपीट की जाती है उसको उस लहजे से नहीं देखा जा सकता जिस लहजे से एक आम मारपीट के केस को देखा जा सकता है, क्योंकि जब एक डॉक्टर से मारपीट होती है डॉक्टर का ध्यान अपनी दूसरे मरीजों की तरफ से हटता है। कई डॉक्टर बड़े अस्पतालों में इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पे, अगर 20 डॉक्टर इकट्ठे हैं, नर्सें 50 इकट्ठी हैं, तो वो किसी मरीज़ को छोड़ के इकट्ठी हुई हैं। उन मरीज़ों में से अगर किसी की मौत होएगी उसका जिम्मेदार कौन है? तो कहने का मतलब ये कि आप एक पायलट को ज़मीन पर चलते हुए मारते हो वो ठीक है, IPC का मामला है, मगर जब वो प्लेन उड़ा रहा है अगर उस समय उसके केबिन में घुस के उसको मारते हो वो चीज़ IPC के सेक्शंस में कवर नहीं होएगी, वो एक टेररिस्ट एक्ट है, क्योंकि उससे आप ना केवल उस पायलट को मार रहे हो, उस पायलट जिन सवारियों को लेके जा रहा है आप उनको भी मार रहे हो। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि डॉक्टर्स के साथ वॉयलेंस के लिए एक स्पेशल एक्ट की, एक स्पेशल प्राविधान की ज़रूरत है, और ये चीज़ संभव है इंडियन पिनल कोड में। जब ये देखा गया था कि आप एसिड अटैक विक्टिम्स या रेप विक्टिम्स, इनके लिए IPC के एग्जिस्टेंट प्रावधान तो पहले भी थे, फिर हमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाने की ज़रूरत क्या थी? वो यही थी कि ये देखा गया था कि IPC जो है वो सफिशिएंट नहीं था इन केसेस को हैंडल करने के लिए। यही बात हम कह रहे हैं कि IPC डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हैंडल करने के लिए भी सक्षम नहीं है। IPC में मॉडिफिकेशंस चाहिए, एक सेंट्रल एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस चाहिए। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अनलिमिटेड कंपेंसेशन अवार्ड हो रही हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अगेंस्ट 3.5 करोड़, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अगेंस्ट और हॉस्पिटल के अगेंस्ट 11.5 करोड़, ये अमाउंट्स वो हैं जिसमें एज अ डॉक्टर मैं मेरे आंड गुआंड, मेरी फैमिली 7 पुश्तों तक इकट्ठा नहीं कर सकती। अगर हम ये पैसा ही नहीं कमा सकते तो हम ये कंपनसेशन देंगे कहाँ से? और अगर हमने ये पैसा कमाना है तो हमें फिर मरीज से ही कमाना पड़ेगा। फॉर गुड हेल्थ प्लीज सब्सक्राइब A1 हेल्थ केयर, फॉर बेटर म्यूजिक सब्सक्राइब A1 म्यूजिक, फॉर बेस्ट इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स प्लीज सब्सक्राइब A1 पंजाबी TV, एंड फॉर ऑल अपडेटेड न्यूज Please subscribe A1 News.